चलिए जी, एक्सेल से शुरुआत करते हैं। स्टार्ट ऑल प्रोग्राम्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ग्रीन कलर का एक्स, एक्सेल। कोई भी चीज लिखते हैं, जैसे नंबर लिखा सबसे पहले वन। चलिए वन लिखा, सिलेक्शन हटा के वापस इस पे क्लिक करा। पहले ये इंसर्ट मोड में आता है, इंसर्ट मोड से बाहर निकलेंगे अपन, एंटर करके निकल सकते हैं। बाहर आ गए, ये ब्लैक प्लस बना के जब मैं नीचे की तरफ ड्रैग कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, वन। चलिए अब दूसरे में, इसमें वन डालते हैं और इसके नीचे वाले सेल में टू डालते हैं, तो ये डिफरेंस कितना हो गया, वन और टू। इन दोनों को सेलेक्ट करते हैं, क्लिक वाइट प्लस से क्लिक ड्रैग करते हुए सेकेंड सेल तक आ गए अपन। ये वाइट प्लस से सेलेक्ट कर लिया, अब ब्लैक प्लस बना के नीचे की तरफ खींचते हैं, तो इन दोनों के बीच में जितना भी डिफरेंस है वो डिफरेंस आगे की तरफ बढ़ेगा। डिफरेंट कितना होगा? हाँ, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर एक, और इसके नीचे वाले में लिख दिया तीन। ये दोनों सेल को वाइट प्लस से सेलेक्ट करा क्लिक एंड ड्रैग से, इसको नीचे की तरफ ड्रैग करा, तो इनके बीच में डिफरेंस दो दो का है, तो सभी में दो दो का डिफरेंस आ रहा है। यही काम करते हैं हम, चार चार के नीचे डिफरेंस दे देते हैं ये आठ का, तो टोटल हो गए चार का डिफरेंस, चार और आठ में चार का डिफरेंस। वाइट प्लस से सेलेक्ट करा और नीचे की तरफ ड्रैग करा, तो ये देखिए पूरी चार की टेबल बन गई। ये 18, 18 के नीचे 36, 18 का डिफरेंस हो गया। वाइट प्लस से क्लिक दबा के नीचे की तरफ ड्रैग करा सेलेक्ट। अब अगर नीचे की तरफ ब्लैक प्लस से ड्रैग करेंगे तो ये 18 की टेबल बन जाएगी। तो ऐसे किसी की भी आप टेबल बना सकते हो, आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी बना सकते हो और वर्टिकल डायरेक्शन में। जैसे ये 18 लिखा हुआ है, अगर 18 और 36 इधर लिखेंगे अपन, इन दोनों को सेलेक्ट करके अगर अपन आगे आगे बढ़ाएंगे तो देखिए वैसे ही आएगा, ये 36, ये 36, ये 54, ये 54, ये बेहतर, ये बेहतर। तो किसी भी डायरेक्शन में ड्रैग करा जा सकता है, लेफ्ट टू राइट या टॉप टू बॉटम। ठीक है, ये सेल मैंने डिलीट कर दिए, यहाँ दो सेल लिखे हुए, दोनों सेल को सेलेक्ट कर लेते हैं अपन। अगर इसको उल्टी डायरेक्शन में चलाएंगे तो क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने उसको सीधा चलाया है या उल्टा चलाया है। दो सेल के बीच में डिफरेंस कितना है, 180 और 162, इनमें बीच में फिर भी 18 का ही डिफरेंस है। अगर ये ब्लैक प्लस में उल्टी डायरेक्शन में चला तो उल्टी ऊपर की तरफ, बॉटम टू टॉप, तब भी वैसे का वैसे रिएक्शन होगा। तो नंबर के साथ में भी ऐसे ही होता है कि आपने यहाँ लिखा टू, यहाँ लिखा वन, तो ये आप उल्टी डायरेक्शन में चलाएंगे तो नंबर उल्टी तरफ में चल जाएंगे, माइनस की तरफ। ठीक है, यहाँ लिखा आपने 20, इससे ऊपर लिखा आपने 19, आप दोनों को सेलेक्ट करें, ब्लैक प्लस बना के ऊपर की तरफ खींचे, देखिए वैसे के वैसे ही उल्टी डायरेक्शन में भी सेम चलता है। ये तो हुआ सिर्फ नंबर नंबर। ठीक है, अब अपन लेते हैं कुछ शब्द, मैंने कोई ABCD का ए लिखा, इस ए को नीचे की तरफ ड्रैग कराया, सेम है। मैंने लिखा ऑल, इस ऑल वर्ड को नीचे की तरफ ड्रैग कराया। ठीक है, मैंने लिखा यहाँ पर ए, ए और इसके नीचे बी, दोनों को सेलेक्ट करा और नीचे की तरफ ड्रैग कराया। ए और बी खत्म होने के बाद वापस ए और बी, फिर ए और बी, फिर वापस ए और बी, फिर ए और बी, तो जो आपने दो शब्द लिखे हैं वही शब्द रिपीट होते रहेंगे, ए डबल एल ऑल और WELL वेल, ऑल और वेल दो शब्द लिखे, इन दोनों को नीचे की तरफ ड्रैग करा रहे हैं, तो ये देखिए लगातार यही आएगा, ये ऑल वेल, ऑल वेल, ऑल वेल, ऑल वेल, तो शब्दों के साथ में इस तरीके से होता है। एक के आगे मैंने लिख दिया नंबर वन, ठीक है, लास्ट के अंदर नंबर है, राइट साइड एंड पॉइंट के अंदर आपका नंबर है। अकेले सेल को मैं नीचे की तरफ ड्रैग करता हूं तो क्या होता है,
ये ऑल, या लिखता हूँ मैं 001, पहले तो सिर्फ वन लिखा था, इस बार ऑल के आगे 001 लिख रहा हूँ। ऑल 002, ऑल 003, ऑल 004, ऑल 005, ऑल 006, कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं? सब्जेक्ट 01, और सब्जेक्ट बनाना है चाहे इस डायरेक्शन में बना लो, किसी भी डायरेक्शन में काम करता है, तो सब्जेक्ट 01, सब्जेक्ट 02, सब्जेक्ट 03, 04, 05, इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो ये हर तरह से काम करता है, ये आपके फॉर्मूलेज भी काम करता है। फॉर्मूलेज के अंदर जब अपन लिखते हैं A1, A2, एक फॉर्मूले में लिखा है इज इक्वल टू सम A1 प्लस A2, तो वो नीचे की तरफ ऑटोमेटिकली A2, B2, A3, B3 हो जाता है। ठीक है, कुछ नंबर लिखते हैं 15 और 25। यहाँ पे अपन सम करते हैं इज इक्वल टू A1 प्लस B1, एंटर करते हैं। या गया, अगर नीचे की तरफ ड्रैग कराता हूँ तो हर सेल में ये ऑटोमेटिकली, यहाँ पे क्या आ रहा है A1 B1, नीचे के सेल पे क्लिक करूंगा तो A2 B2। क्यों? क्योंकि एक कैरेक्टर के बाद में लास्ट में नंबर है, इधर भी एक कैरेक्टर के बाद में लास्ट में नंबर है, तो उन नंबरों को ऑटोमेटिकली आगे की तरफ बढ़ाता है ये। इसलिए सिर्फ अपने को एक फॉर्मूला लिखना होता है, केवल एक में फॉर्मूला लिखा और ब्लैक प्लस से सीरीज ड्रैग करता है तो सबके अंदर आ जाता है। अब यहाँ पे कुछ भी नंबर लिख, जैसे जैसे नंबर लिखते जाएंगे वैसे वैसे ऑटोमेटिकली वो ऐड करता जाएगा, ये देख जिस तरीके से। तो ऑटोमेटिकली आप, यहाँ कोई वैल्यूज नहीं है तो ऑटोमेटिकली ये 0 0 लेके आ रहा है इस तरीके से। तो ये सम का तरीका है कि आप एक में फॉर्मूला लिखो और सम में इस तरीके से। चलिए कुछ और करते हैं, ये सेलेक्ट कर लिया 1 और 2 18 18। अब अगर नीचे की तरफ ड्रैग करूंगा तो ये तो 18 18 सब में 18 आएगा, और इधर सीरीज है इसलिए इसकी सीरीज बनेगी, बन गई। अब इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों सेल को। ठीक है, तो पहले तो है A1, फिर मल्टीप्लाई का निशान, फिर है B1। ठीक, अब इसको नीचे की तरफ ड्रैग कराता हूँ तो सब में ऑटोमेटिकली मल्टीप्लिकेशन होगा, A2 B2, A3 B3, A4 B4, ऐसे ही A10 B10, तो आपस में मल्टीप्लाई हो गई, ये 18 की टेबल बन गई। पर यहाँ मैं इतने 18 क्यों लिखूँ, नहीं लिखता मैं, तो ये सारे 0 हो जाएंगे। अब मुझे इसको स्टेबल करना है कि मुझे 1 को 18 से गुणा करना है, 2 को 18 से करना है, 3 को 18 से करना है, 4 को 18 से करना है, उसके लिए इसको एब्सोल्यूट रेफरेंस देना पड़ेगा। बी को फिक्स कर रहे हैं तो $B और $1, $B से ये बी कॉलम फिक्स हो जाएगा और $1 से ये वन वाला सेल फिक्स हो जाएगा। तो ये B1 जो है $B $1 की वजह से ये अकेला सेल फिक्स हो गया, अब ये चेंज नहीं होगा लगातार। ठीक है, ये एंटर करा अपन ने, अब इसको नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं। देखिए पूरा है, पहले वाली वैल्यू में 0 0 थे जबकि अब प्रॉपर तरीके से कर रहा, तो यहाँ मुझे लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ी। अब देखिए फॉर्मूला, देखिए A1 को $B1 $1 से गुणा करा है, A2 को भी, A3 को भी, A4 को भी, ये फिक्स। तो ये सेल्फ फिक्स करने का तरीका होता है $B $1। अब आते हैं अपन टाइम के ऊपर। एक टाइम लिखा मैंने 9:15, उसी को ब्लैक प्लस बना के सिंगल सेल को मैंने नीचे की तरफ ड्रैग करा, इसमें एक एक घंटे का वेरिएशन डाल दिया इसके अंदर। एक तारीख लिखी है 24/7/2014, सेलेक्ट करा, ब्लैक प्लस बना के नीचे की तरफ ड्रैग करा, एक एक दिन का अंतर डाल दिया उसमें। टाइम के अंदर एक एक घंटे का अंतर आता है, और दिन के अंदर अगर डेट लिखी हुई रहती है तो पर्टिकुलर डेट में ये इस तरीके से आता है।
अगर आपको मल्टीपल सेल में, बहुत सारे सेल में एक ही डेट भरनी है, ठीक है, तो सभी सेल को सेलेक्ट कर लो, तारीख लिखो, और कंट्रोल के साथ एंटर कर दो। कीबोर्ड से कंट्रोल बटन दबा के रखो और एंटर बटन प्रेस कर लो, तो मल्टीपल सेल में सेम वैल्यू फीड हो जाएगी। चाहे आप कोई शब्द लिखो, चाहे तारीख लिखो, वो सब में एक साथ फिल हो जाएगा कि पर्टिकुलर ये आइटम है या ये तारीख है। कई बार होता है ना कि इस तारीख को ये अलग अलग आइटम्स खर्चा, ये डिस्पैच करा, या फिर ये खरीदा, ये खरीदा, ये बेचा, वो सब पर्टिकुलर डेट एक साथ सेलेक्ट कर लिए, फिर आगे एंट्रीज करते रहो उसमें, ताकि बार बार नहीं लिखना पड़े। सेलेक्ट करा, एक में टाइप करा और कंट्रोल एंटर। डेट्स टुकड़ों टुकड़ों में लिख के भी आप बना सकते हो, जैसे ये 24, ये 7, 2014। तो अगर किसी में ये महीने लगातार आ रहे हैं इस तरीके से, और तारीख अलग अलग आ रही है, 24 के बाद 25, 26, इस तरीके से, ये देखिए, तो 24/7/14, 25/7/14, 26/7/14, इस तरीके से आ गया ये। अब यहाँ मुझे इन तीनों टुकड़ों को मिला के एक बनाना है, तो उसके लिए फॉर्मूला है इजिकल टू डेट बनाना है, DATE। जैसे ही डी लिखेंगे वहाँ पे पूरा फॉर्मूला इस तरीके से लिखा हुआ आएगा। सारे फॉर्मूले इजिकल टू के निशान के साथ चालू होते हैं, बराबर के निशान के बिना कोई फॉर्मूला काम नहीं करेगा। सबसे पहला बराबर का, इस पर आप चाहे डबल क्लिक कर लो या टैब बटन दबा दो, एक ही बात है। जैसे आप ये ब्रैकेट लगाते हैं इसके साथ में, वहां पर आता है सबसे पहले ईयर को लो, इसके फॉर्मूले में ये कह रहा है ईयर, ईयर किस सेल में लिखा हुआ है, G1 में लिखा हुआ है, यही है। कॉमा लगाने के बाद में ये पूछ रहा है मंथ, अगर आपको सेल का नंबर समझ में नहीं आ रहा तो माउस से सीधा क्लिक भी कर सकते हैं वहाँ, ये क्लिक करा, ये F1, ये कॉमा, और लास्ट पूछ रहा है आपका डे, तो डे के लिए इस पर क्लिक करा, ब्रैकेट बंद करा और एंटर कर दिया। अब देखिए इसने पूरी डेट बना दी, ये लीजिए। आपने कोई डेट लिख रखी है, उसके आप टुकड़े करना चाहते हैं, जैसे या मैं चेंज करके 26/27 कर देता हूँ, ये तारीख कितनी जाएगी आप मुझे बताएं, 26 तारीख, 27 तारीख, 28, 29, 30, फिर 31, अगर होगी तो 29, 30, 31, 31 के बाद ऑटोमेटिकली अगले महीने की 1, 2, 3, 4 तारीख से। तो आप अगर चाहते हो कि ये जो तारीख है इसके भी टुकड़े कर दें, तो इसके टुकड़े के लिए भी निकाल सकते हैं आप, डे अलग कर सकते हो, मंथ अलग कर सकते हो, ईयर अलग कर सकते हो। उसका फर्स्ट फॉर्मूला लिखो, इजिकल टू डी, जैसे DAY डे लिखते हैं, तो डे के अंदर ये ब्रैकेट के अंदर पूछता है कि किस तारीख से निकालना है, ये तारीख वाले सेल पे क्लिक करा, ब्रैकेट में बंद करा और एंटर, तो ये तारीख अलग हो गई। इसी तरीके से महीना, इजिकल टू M, जैसे लिखते हैं वो एम से रिलेटेड सारा है, MON, तो ये देखिए मंथ, डबल क्लिक करें चाहे टैब बटन का इस्तेमाल करें, और इसी तारीख में से निकालना है, ये C1 में से, ये C1 ब्रैकेट में से क्लोज करा और एंटर, ये डेट, ये मंथ। इसी तरीके से ईयर भी अलग कर सकते हैं, इजिकल टू YAR, और इसी तारीख में से अलग करना है, C1 में से और एंटर। अब इन तीनों सेल को सेलेक्ट करें और नीचे की तरफ ड्रैग कर दे, तो हर तारीख में से अपने आप ये सब चीजें अलग कर देंगे। हम डेट वाले चेंज कर रहे हैं ना, मन तो जैसे वही, मन तो ये देख लेगा। डेट 31 लिखी हुई, 31 की जगह मुझे 22 करनी है, 22 लिख के एंटर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, मंथ चेंज करोगे मंथ भी चेंज हो जाएगा। ये हो गया 6.5 इजिकल टू ROU, जैसे लिखेंगे राउंड, तो ये राउंड का फॉर्मूला आ जाएगा, इस सेल को राउंड करना है, ये राउंड करा, नंबर ऑफ डिजिट्स कॉमा लगा के नंबर ऑफ डिजिट्स कितना राउंड करना है, 1, 2, 3, ये 1 के ऊपर आ गया, तो इसके आप अगर 2 डिजिट को राउंड करना है तो इसके अंदर यहाँ 1 की जगह 2 कर दो,